सर संगत जी प्रेम से कहना साथ संगत आप सभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस समागम के अवसर पर उपस्थित हुए हैं जो ये प्रांतीय समागम का आयोजन कई वर्षों से हो रहा है अन्य प्रांतों की तरह मध्य प्रदेश को भी उन्नीस में 94 में <coughs> पहला समागम प्राप्त हुआ जो कि भोपाल नगर में आयोजित हुआ और उसके दो बरस बाद यहीं जबलपुर में छियानवे में समागम का आयोजन हुआ मध्य प्रदेश का और इतने लंबे अंतराल के बाद फिर से जबलपुर में समागम का आयोजन हो रहा है जहां पर आप सभी उपस्थित हैं एक मंतव एक मकसद लिए हुए मकसद है मानव भाईचारा स्थापित करना मकसद है वह रीशा नफ़रत की आग में जो इंसान जल रहे हैं उसके स्थान पर प्रेम करुणा के भाव से युक्त होकर इस धरती पे विचरण करें ताकि अमनो आमान हो सकून और चैन हो और सभी भाईचारे की भावना से युक्त होकर सही मैनों में वसुधैव कुटुम्बकम जो उद्घोष वेदों से चलता आ रहा है कि सारी वसुधा के ऊपर बसने वाले तमाम लोग एक कुटुंब का अंग हैं और ये एक कुटुम परिवार है एक मानव का इंसानों का जो प्रभु परमात्मा की संतान के रूप में है तो इस तरह से इस मकसद को लिए हुए आप यहाँ पर इस समागम पर उपस्थित हुए हैं ताकि इन भावनाओं को और फैलाव मिले जो दीवारें खड़ी हुई हैं जो धर्म मज़हब के नाम पर जाति पाति के नाम पर रंग नस्ल के नाम पर संस्कृतियों के नाम पर अनेकों अनेकों कारणों से जो इंसान बटा हुआ है एक दूसरे के प्रति विपरीत भावना रखता है तो सभी इन संकीर्णताओं से ऊपर उठें इन दीवारों को गिराएं और सभी इस धरती को जन्नत या स्वर्ग बनाने के लिए एक सुंदर भावनाओं से युक्त होकर सद्व्यवहार करें तो इस तरह से आज इस समागम के पहले दिन आप सभी यहाँ पर जबलपुर में उपस्थित हुए हैं जहाँ पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का समागम तो है ही साथ ही साथ नुमाइंदगी चंदौर प्रांतों से भी है तो यही अरदास प्रार्थना कि मालिक कृपा करें कि सभी को सुमति मिले सभी को जागृति मिले ताकि घर भी स्वर्ग बने ये मुल्क भी और ऊंचाइयों को छुए और सारे विश्व में भी भाईचारा और शांति हो सात संगत जी धन कर